भारतीय स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। चहल काउंटी टीम केंट के लिए खेल सकते हैं। ये चहल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू होगा। मंगलवार को चीफ सेलेक्टर और कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया था, जिसमें युजवेंद्र चहल को जगह नहीं दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप में न चुने जाने के बाद चहल ने काउंटी क्रिकेट खेलने का फैसला किया है। उन्हें BCCI की ओर से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल गया है। एक सोर्स ने बताया, केंट काउंटी क्रिकेट क्लब इस बारे में जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषणा करेगा। चहल उनके लिए 3-4 दिन के मैच खेलेंगे। BCCI ने उन्हें NOC दे दी है। जब भी भारतीय टीम को उनकी जरूरत होगी तो वो तुरंत भारतीय स्क्वाड से जुड़ जाएंगे। बता दें कि चहल को टीम में बहुत ही कम चांस दिए जा रहे हैं। इन दिनों खेले जा रहे एशिया कप के लिए भी चहल को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था, फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी उन्हें दूर रखा गया। 2023 में चहल ने अब तक सिर्फ 2 ही एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। आपको बता दें कि चहल भारत के लिए वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने अब तक 72 वनडे और 80 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। वनडे में उन्होंने 27.13 की औसत से 121 विकेट झटके हैं। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में चहल ने 25.09 की औसत से 96 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने जून 2016 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। चहल काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे, इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या यहां से उनके गेंदबाजी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर भी अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।